Oh, hey everyone, welcome back to my channel. I am Mayank and today's date is 4 July and my current profit is 1,70,000. So अभी मैं आपको यहाँ पे लाइव क्वांटिटी लेके दिखा देता हूँ कि मोमेंटम हो रहा है, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आपको कुछ ना कुछ डाउट नहीं रहा है. वैसे जो पुराने मेंबर जो हमें फॉलो करते हैं, URN102 की हमारी यूजर आईडी है, लेकिन फिर भी मैं मतलब कि 4-5 हज़ार का लॉस अगर यहाँ पे करता भी हूँ, फिर भी आप लोगों को ट्रस्ट होना चाहिए कि हाँ मतलब कि जेन्युइन चीज़ें यहाँ पे बताई जाती है, ठीक है. तो अभी तो मैं मतलब कि यहाँ पे कोई एनालिसिस करके हमने ट्रेड नहीं ली, बस आपको मोमेंटम होना चाहिए प्रॉफिट में, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड ले रखी है, ठीक है. तो आप लोग देख लीजिए, अभी कुछ टाइम हो रहा है, 3:28, तो 2 मिनट में मार्केट बंद होने वाला है, तो इससे पहले हम लोग यहाँ पे क्वांटिटी को एग्जिट कर देंगे, राइट. सो यहाँ पे अभी मैं सभी क्वांटिटी को एग्जिट कर देता हूँ और मोमेंटम आप देख सकते हो, ठीक है. हम चलते हैं लॉजिक के ऊपर कि हमने जो है प्रॉफिट बनाया है, ये इसके पीछे क्या लॉजिक था. आपको याद होगा कि जो लोग लाइव स्ट्रीम में जुड़े थे आज, ठीक है, लाइव स्ट्रीम में ज्यादा टाइम तक नहीं कर पाया टेक्निकल इशू की वजह से, तो मैंने आपको वहां पे बताया था कि मैं कुछ CPR के साथ एक और स्ट्रेटजी यूज करता हूँ. थोड़ा सा मैं भी आपको हिंट इसके अंदर बता दूंगा, देन नेक्स्ट वीडियो इस एक स्ट्रेटजी के ऊपर आ जाएगी. देखिए, किसी भी एक और दो कंफर्मेशन के साथ हम लोग ट्रेड नहीं ले सकते, क्योंकि वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है ऑप्शन बाइंग में और वहां पे लॉस होने के चांसेस ज्यादा रहते. हमें 3 या 4 कंफर्मेशन अगर होगी तो ही हम वहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, ताकि हमारे चांस प्रॉफिट के वहाँ पे ज्यादा रहे और लॉस के चांस कम रहे, ठीक है. अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने जो है 2,70,000 का जो प्रॉफिट किया था, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे किस हिसाब से ट्रेड ली थी. मॉर्निंग में मैं देख रहा था कि मार्केट कंटिन्यू गैप अप ओपन करके, ठीक है, मैंने ये सोचा था कि मार्केट अगर गैप अप ओपनिंग करेगा और ये वाले लेवल तक आएगा, तब हम यहाँ पे CPR से यहाँ पे बाइंग की ट्रेड बना सकते हैं. जिसने हमारी CPR की वीडियो नहीं देखी है, जाके देख सकते हो, यूट्यूब पे बेस इंट्राडे स्ट्रेटजी करके आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है, आपके लिए काफी हेल्पफुल वीडियो होने वाली है. सो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने यहाँ पे ट्रेड क्या लिया, ठीक है. मैं यहाँ पे वेट करा था मार्केट का आने का, कि मार्केट गैप फिल करेगा, देन मार्केट ऊपर की तरफ निकलेगा, ठीक है, क्योंकि ये 3 जो लाइन है ना हमारी, इसको मार्केट मतलब मोमेंटम में एक ही बार में ब्रेक करे तो ये बहुत कम चांस होते हैं, ठीक है. तो मैं यहाँ पे रेडी था कि मैं यहाँ पे बाइंग की ट्रेड बना सकता हूँ. तो मार्केट ने क्या किया कि यहाँ से अच्छा खासा बुलिशनेस दिखा के मार्केट ने यहाँ से बाइंग दिखा दी, ठीक है. मार्केट यहाँ से बाइंग लेके ऊपर की तरफ गया, तो मैंने काफी टाइम तक वेट किया कि मुझे एक अच्छी ट्रेड मिले, ठीक है. हमारी स्ट्रेटजी क्या होती है, अगर आपने वीडियो देखी होगी तो यहाँ पे आपको ट्रेड मिलेगी, ठीक है ना. मैंने आपको ये लाइव स्ट्रीम में भी बताया था कि आप लोग यहाँ पे किस तरह से ट्रेड कर सकते थे. तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हमारी ट्रेड थी, तो ये हमारा यहाँ पे ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गई, ठीक है. तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारे पास ये वाला लेवल था. देखिए, अगर मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपनिंग किया है, ठीक है ना, यहाँ पे मार्केट गैप अप ओपनिंग किया है और यहाँ से मार्केट डाउन आया, ठीक है, ये वाले लेवल तक नहीं आया और फिर मार्केट ऊपर की तरफ निकला है, तो हमारे पास ये वाला एक रेजिस्टेंस लेवल है. तो अगर मार्केट ने ये वाली लाइन को ब्रेक किया है, ठीक है, तो हम यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे, समझ रहे हो. हम ट्रेड कहाँ लेंगे, यहाँ पे ट्रेड लेंगे. क्यों, क्योंकि हमारे पास एक कंफर्मेशन हो चुकी है कि हमारे पास ये ब्रेकआउट हो चुका है, ठीक है ना, ये लाइन का ब्रेकआउट हो चुका है. अगर यहाँ पे ये वाला लेवल नहीं होता तो हम लोग इस तरह से कोई ट्रेड लेते. मैं आपको दिखा देता हूं, हम कुछ इस तरह से यहाँ पे ट्रेड लेते, राइट. हमारा SL होता ये वाली कैंडल का ओपनिंग पॉइंट और हमारा टारगेट होता कुछ ये वाला, ठीक है, जो कि हमें इजीली यहाँ पे देखने को मिला. देन मार्केट में क्या हुआ कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल था, तो मार्केट ने क्या किया, पहले यहाँ पे जिन्होंने ट्रेड ली होगी, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, देखो, अगर आप लोग यहाँ पे ट्रेड लेते तो आपका यहाँ पे SL हिट हो जाता, समझ रहे हो. ये वाली कैंडल का आपका SL था, तो आपका यहाँ पे बिल्कुल SL हिट करके मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाता. तो देखिए, आपको कुछ ना कुछ अगर मैंने आपको स्ट्रेटजी बता दी, तो आपको छोटा मोटा खुद का नॉलेज रखना पड़ेगा कि किस तरह से हमारी स्ट्रेटजी जो है, किस तरह से हम उसको आइडेंटिफाई कर पाए कि हाँ यहाँ पे अभी ट्रेड बन रही है तो हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं. देखिए, कोई भी हमारी स्ट्रेटजी बोलती कि ये वाली लाइन ब्रेक हुई तो जिस कैंडल ने ब्रेक किया उसका SL ये हो जाएगा और हम लोग यहाँ पे बाइंग कर देंगे, ठीक है. ये सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन कुछ और लॉजिक हमें यूज करने पड़ते हैं. अगर ट्रेडिंग इतनी आसान होती कि इसको ब्रेक किया बाय कर लो, ठीक है, इसको सेल कर दो, तो यहाँ पे मतलब कि हर कोई प्रॉफिट बना रहा होता. आपको छोटा सा आपको लॉजिक यूज करना पड़ेगा. यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल था क्योंकि मार्केट यहाँ से डाउन आ चुका था मॉर्निंग में, ठीक है, तो हमने यहाँ पे ट्रेड नहीं की, हमने वेट किया कि अगर ये वाली लाइन यहाँ पे ब्रेक हुई है, ठीक है. देखो, मैंने ट्रेड कहाँ ली थी, मेरा SL ये वाली कैंडल पे था, ठीक है. SL मेरा बिल्कुल छोटा था, 10-11 पॉइंट का. देखो यहाँ पे क्या हुआ, पहली बात तो ये कि हमारी ये वाली लाइन को मार्केट ब्रेक कर चुका है. हम यहाँ पे भी ट्रेड बना सकते थे, लेकिन हमने नहीं बनाया क्योंकि यहाँ पे एक लेवल था. क्लियर, ये बात क्लियर हो गई. अभी हम ऊपर की तरफ जाते, मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं बनाया क्योंकि यहाँ पे लेवल था. फिर मार्केट ने ये वाले लेवल को ब्रेक किया, तो हमारे पास दो कन्फर्मेशन थी,
समझ रहे हो, दो कंफर्मेशन कैसे थी, ये वाली लेवल को मार्केट ने ब्रेक किया, मतलब कि मार्केट बुलिशनेस में है, अगर ये वाले लेवल को ब्रेक करते ही मार्केट ने हमारे ये वाले लेवल को भी ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पे हमने ब्रेकआउट की ट्रेड आइडेंटिफाई की और हमने यहाँ पे ब्रेकआउट के लिए ट्रेड लिया, ठीक है। जो कि आप यहाँ पे प्रॉफिट देख रहे हो ना, मैंने 100 पॉइंट ऊपर ओटीएम कॉल लिया था, ठीक है, क्योंकि एक्सपायरी थी तो ओटीएम कॉल ज्यादा इंक्रीज होता है, ठीक है, तो 20,500 का मैंने ओटीएम कॉल लिया था सी साइड का, तो मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया। और मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप लोग ओटीएम कॉल लीजिए, क्योंकि ये काफी ज्यादा रिस्की होता है, ठीक है, क्योंकि और मैं यहाँ पे 2 लाख आज मार्केट को देने के लिए रेडी था कि अगर मेरा 2 लाख लॉस होगा तो मैं मार्केट से निकल जाऊंगा, ठीक है, और क्योंकि मैंने दो या तीन दिन में अच्छा खासा प्रॉफिट गेन किया है, तो 2 लाख का मैं लॉस लेने के लिए रेडी था, तो मेरा रिस्क मैनेजमेंट बिल्कुल फिक्स होता है, तो इसके हिसाब से मैं यहाँ पे रिस्क लेता हूँ, ठीक है। तो आप लोग ओटीएम मत लीजिएगा, मैं आपको मना करूंगा। और फिर हमारा टारगेट क्या होता है, देखो मैंने आपको क्या बताया था स्ट्रेटजी वाली वीडियो को, अभी भी मैं आपको बोल रहा हूँ स्ट्रेटजी वाली, अगर आपने वीडियो नहीं देखी जाके देख लो, काफी हेल्पफुल होगी, फिर आपको चीजें समझ में आने लगेगी, ठीक है। यहाँ पे ये वाली लाइन ने, ये वाली जो ग्रीन लाइन है, इसको मार्केट ने ब्रेक किया, हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, मैंने आपको उस वीडियो में बोला है कि मार्केट कोशिश करेगा ये वाली लाइन तक जाने के लिए, इसका मतलब ये नहीं है कंटिन्यू मार्केट ग्रीन कैंडल बना के ऊपर की तरफ निकल जाएगा, थोड़ा मार्केट ऊपर जाएगा, डाउन आएगा, फिर नीचे आएगा, ठीक है, मतलब बायर सेलर्स का थोड़ा एक्टिवेशन चलेगी, फिर मार्केट ऊपर की तरफ निकल के कहीं ना कहीं ये वाले लेवल को टच करने का कम से कम 80% चांस रखेगा, समझ रहे हो, 80-75% चांस रखेगा, ठीक है। तो ये चीजें हमें फाइंड करनी है, और मैं यहाँ पे एसएल देने के लिए मैं यहाँ पे रेडी था कि हाँ अगर यहाँ पे एसएल होता तो मैं यहाँ पे एसएल लेता, क्योंकि ये वाली कैंडल ने इसको हमारा ब्रेकआउट किया है, और ये तो ये वाली कैंडल का ओपनिंग हमारा एसएल होता और हमारा टारगेट मेरे को इजीली यहाँ पे कम से कम मैं यहीं कहीं एग्जिट हो चुका था। मैंने यहाँ पे वेट क्यों नहीं किया, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने हेवी क्वांटिटी ले रखी थी, ठीक है, तो हेवी क्वांटिटी में अगर मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा है, मैंने 5 लाख यहाँ पे यूज किया था और 5 लाख मुझसे अगर 5 लाख में से अगर मुझे 50% ग्रोथ दिख रही है मेरे कैपिटल की, तो मैं यहाँ पे क्यों रुकूंगा, समझ रहे हो। तो मैंने पे सभी क्वांटिटी एग्जिट करी, ठीक है, मुझे ट्रेल करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मार्केट ने मुझे क्विकली यहां पे मोमेंटम में प्रॉफिट करवा दिया, राइट। सो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट ट्रेड की तरफ, ठीक है, तो अभी मैं आपको नेक्स्ट ट्रेड बता देता हूं कि हमारा नेक्स्ट ट्रेड क्या थी। हमारी ट्रेड ये वाली थी, 1,33,000 का फिर से मैंने प्रॉफिट किया था, ठीक है, सी साइड में। वो मैंने प्रॉफिट कैसे किया था मैं आपको दिखा देता हूं। तो मैंने यहाँ पे ट्रेड क्यों ली थी, क्योंकि देखो मैं आपको इस स्ट्रेटजी के बारे में मैं बाद में बताऊंगा कि ये वाली लाइन को ये वाली कैंडल ने टच किया। देखो मैं समझ चुका था कि हमारा ग्रीन लाइन को टच करते हुए मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ तक तो पहुंचेगा, तो अभी गैप पेंडिंग था, मैंने मेरी क्वांटिटी यहाँ पे निकाल दी थी, फिर मैंने सेकंड स्केल्पिंग की। तो सेकंड स्केल्पिंग में मैंने क्या किया कि जो रेड कैंडल बनी है ना, इस रेड कैंडल का ये जो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक सपोर्ट था, ठीक है, इस मूविंग एवरेज से मैंने यहाँ पे ईएमआई में आपको मतलब ये मूविंग एवरेज है, ठीक है, तो ये वाले सपोर्ट से मैंने यहाँ पे ट्रेड ली और मैं कहीं ना कहीं यहाँ पे निकल चुका था, ठीक है। तो ये एक छोटी सी स्केल्पिंग थी और यहाँ पे मैंने बहुत ज्यादा मतलब कि हेवी क्वांटिटी यहाँ पे भी मैंने ली थी, ठीक है, तो यहाँ पे भी मुझे प्रॉफिट हुआ। और अभी आप ये मत बोलना कि इसका आपने लॉजिक नहीं बताया, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका लॉजिक एक्सप्लेन करूंगा, क्यों, क्योंकि इसका रीजन ये कि अगर मैंने आपको कोई भी चीज मतलब कि डिटेल से नहीं बताई है तो मैं आपको वहाँ पे इसका लॉजिक एक्सप्लेन नहीं कर सकता। अगर मैं आपको बोलूंगा कि यहाँ पे मतलब कि ये वाली लाइन को ब्रेक किया और ये वाली लाइन का सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर की तरफ निकल गया, तो आपको काफी ज्यादा डिफिकल्ट लगेगा, ठीक है। तो मैं आपको मूविंग एवरेज की सेटिंग भी शेयर करूंगा और सीपीआर फिबोनाची टूल और मूविंग एवरेज को आप किस तरह से यूज करके, तीनों को यूज करके और थोड़ा सा प्राइस एक्शन का कॉम्बिनेशन लगा के 4 कॉन्फर्मेशन के साथ आप बहुत ताबड़तोड़ प्रॉफिट कर सकते हो, ठीक है, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। एक एक वीडियो स्लो स्लो आएगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, क्योंकि काफी ज्यादा मतलब कि यहाँ पे लॉजिक पे मैं बात करता हूँ, कोई भी मैं आंख मीच के कोई भी मतलब कि आपके सामने बात नहीं रखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको देखने को मिलेगा तो हमने यहाँ पे सेकंड स्केल्पिंग की थी, तो मैंने यहाँ पे कुछ मेरा एसएल ये था, ठीक है ना, ये लाइन के नीचे था मेरा एसएल कुछ 10 पॉइंट का, और हमने यहाँ पे मेरा टारगेट तो खैर ये था, लेकिन मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि मैं टारगेट तक वेट नहीं करता हूँ, अगर मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा है तो मैं वहाँ पे लेके निकलता हूँ, ठीक है। तो हम कहीं यहीं कहीं निकल चुके थे 30 पॉइंट लेके, ठीक है। तो अब सेकेंड स्केल्पिंग जो मैंने सबसे ज्यादा लॉस किया, ठीक है, मतलब कि मैं आपको क्या ही बताऊँ, मतलब मैं ट्रेड किए जा रहा था क्योंकि मुझे आज मार्केट काफी अच्छा दिख रहा था। आपको भी पता है कि मेरे मतलब कि साइकोलॉजी का जो मेरा रूल है, 2 ट्रेड लेनी है, 2 ट्रेड अगर प्रॉफिट में एंड होती है तो वहाँ से एग्जिट करना है, और मैं यहाँ से इजीली 4 लाख का प्रॉफिट लेके निकलने वाला था, लेकिन मुझे कंफर्मेशन दिखे, ठीक है, क्योंकि हम लोग इंसान है, ठीक है, लालच तो भरा होता है इंसान में, तो मतलब कि ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, मेरी स्ट्रेटजी बोल रही थी, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ट्रेड क्या लिया, मार्केट ऊपर की तरफ गया, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं ली, ठीक है। तो यहाँ से जब मार्केट डाउन आया, ठीक है, यहाँ से जब मार्केट डाउन आया तो यहाँ से मैंने एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी मेरी मिस कर दी थी, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे लाइव स्ट्रीम वगैरह कर रहा था, तो मैंने यहाँ पे ट्रेड मेरी अपॉर्चुनिटी मिस की थी। तो मार्केट यहाँ पे डाउन आने के बाद मैंने क्या किया था, यहाँ पे मैंने
एक पुट की ट्रेड ली थी, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, ये लेवल तो मैंने बाद में ड्रॉ किया है, ठीक है, मैंने सोचा था कि छोटी सी स्केल्पिंग करूंगा तो यहाँ से कहीं ना कहीं मुझे एक अच्छा खासा टारगेट देखने को मिलेगा, लेकिन मैंने इतनी हैवी क्वांटिटी ले ली थी ना यहाँ पे कि मतलब उसको मैनेज करना मुश्किल हो गया था, और यहाँ पे मतलब कि मार्केट ऊपर गया, और यहीं से मार्केट ने या मतलब कि यहाँ से मार्केट ऊपर गया, और मुझे कहीं ना कहीं मैंने यहाँ पे भी इसको होल्ड रखा, क्योंकि मैं यहाँ पे सोच रहा था कि अगर ये वाला ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाएगा तो मुझे काफी अच्छा खासा ब्रेकआउट ब्रेकडाउन में मतलब कि प्रॉफिट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये मतलब और कॉन्फिडेंस में मैं आ चुका था, क्योंकि मेरे पास अच्छा खासा 4 लाख का प्रॉफिट था, तो 4 लाख के प्रॉफिट के अंदर से मुझे कुछ रिस्क लेना था, ठीक है। तो और एक्सपायरी में क्या होता है कि प्रीमियम डीके मतलब स्पीड से होता है, तो प्रीमियम मेरी वहाँ पे मतलब कि डाउन बहुत जल्दी स्पीड से होना स्टार्ट हो गई, ठीक है। जैसे यहाँ पे कैंडल बना मार्केट ने, और यहाँ पे मतलब कि मैंने यहाँ पे बाइंग की थी, मतलब कि मैंने यहाँ पे पुट बाई किया था, तो मेरी स्ट्राइक प्राइस अगर यहाँ पे देखो, अगर मैंने यहाँ पे मेरी स्ट्राइक प्राइस को कब कितने टाइम तक होल्ड रखा, 30 मिनट तक मैंने यहाँ पे होल्ड रखा स्ट्राइक प्राइस को, और 30 मिनट के अंदर अगर मार्केट थोड़ा सा साइडवेज होता है तो आपको भी पता है कि किस हिसाब से एक छोटी सी स्ट्राइक प्राइस में कितना हेवी तरीके से वहाँ पे प्रीमियम डीके होने के चांस रहते हैं। तो यहाँ पे मतलब कि जैसे यहाँ पे आया वो मुझे बहुत हेवी अच्छा खासा यहाँ पे लॉस देखने को मिल रहा था, जो कि मेरा लॉस ये था 2 लाख रुपए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 2 लाख लॉस को एक्सेप्ट किया और मैंने डे को क्लोज किया, और छोटी मोटी ये स्केल्पिंग तो मतलब मैं बीच में कर रहा था, ठीक है। आप लोग ये बोलोगे कि यहाँ पे आपने ये प्रॉफिट कैसे किया, ठीक है, 1:25 पे हमको ये भेज रखा था, ठीक है। तो ये जो 20,500 का जो सी था ना, जरूरी नहीं है कि ये जो मैंने टोटल प्रॉफिट किया है 2,70,000 का, कि मैंने एक ही ट्रेड में किया है। तो मैंने इसके अंदर पहले 2 लाख बुक किया, फिर मैंने फिर से इसी के अंदर क्वांटिटी डाली, ठीक है। तो मैंने फिर 20-30 हज़ार लॉस किया, फिर मैंने क्वांटिटी डाली, तो मैंने फिर 30 हज़ार प्रॉफिट किया। तो ऐसे एवरेज कर करके मैंने 1:00 मैंने कहाँ पे ट्रेड ली थी ना, मैंने 1:00 आपको शेयर किया था ना, तो मैंने काफी टाइम पहले ट्रेड ले रखी थी, 1:25 पे मैंने आपको शेयर किया था, लेकिन मैंने यहाँ पे ट्रेड आपको काफी टाइम पहले मैंने ले रखी थी, ठीक है। 1:25 कहाँ पे होगा, ठीक है, हाँ, तो यही कहीं होगा। तो मैंने आप यहाँ पे ट्रेड ली थी, तो आप ये मत समझना कि ये एक ही बार में प्रॉफिट है, मतलब कि इसी स्ट्राइक प्राइस के अंदर मैंने बाय किया, सेल किया, फिर बाय किया, फिर सेल किया, ठीक है। तो ये मतलब कि एवरेज होके हमारा ये प्रॉफिट हुआ, राइट। सो आई होप कि आपको हमारी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, ठीक है। मैं 4 बेस पे ट्रेडिंग करता हूँ, फिबोनाची टूल और एक मूविंग एवरेज की जो मेरी स्ट्रैटेजी है, और CPR को भी मैं इन्वॉल्व कर देता हूँ, और अपना प्राइस एक्शन, ठीक है। तो इनके कॉम्बिनेशन के बीच में जो चीजें होती है ना, मतलब कि आप बात को समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप ओनली एक सपोर्ट पे मार्केट आया, आप उसको बाय कर लोगे, तो आपको वहां पे कम कॉन्फिडेंस आएगा, वहां पे आपको मतलब कि अगर जहां पे आपका कम कॉन्फिडेंस आएगा आप उसको होल्ड नहीं रख पाओगे, ठीक है, तो आप वहां पे लॉस कर दोगे। तो अगर 4 कन्फर्मेशन अगर हमें एक ट्रेड पे मिलती है, तो वहां पे कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, इस स्ट्रेटजी को मैं 2-2.5 साल से फॉलो कर रहा हूं, तो अगर यहाँ पे लॉस भी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे हिट हुआ, नेक्स्ट टाइम में हम लोग मतलब कि टारगेट लेंगे, ठीक है। तो ये कॉन्फिडेंस आता है 4 स्ट्रैटेजी को। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अगर आप सीख जाओगे, ठीक है, तो आप इसको मतलब कि जैसे ही मैंने आपको चार स्ट्रैटेजी बता दी, एक एक स्ट्रैटेजी तो मैं आपको बता चुका हूँ, तो 4 स्ट्रैटेजी मैंने वीडियो डाल दिया, आपने सब कुछ सीख लिया, तो आप मतलब तुरंत प्रॉफिट करने लग जाओगे, ठीक है। ऐसा नहीं होगा, आपको कहीं ना कहीं मतलब कि कुछ मंथ यहाँ पे कुछ मंथ इन स्ट्रैटेजी को यूज करते टाइम आपको काफी ज्यादा इसमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको एक एक लॉट से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है, और आपको इसके काफी ज्यादा बैक टेस्टिंग करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। फिर अगर आप हैवी क्वांटिटी के साथ ट्रेड करोगे, तो आपको पता रहेगा कि हाँ, इस स्ट्रैटेजी में मुझे लॉस भी होता है, लेकिन लॉस होने के बाद मुझे टारगेट भी मिलते हैं, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा वहां पे, ठीक है। आप सब कुछ सीखने के बाद अगर कूद पड़ोगे हेवी क्वांटिटी लेके, तो आपको वहां पे मतलब कि तो वहां पे आपकी साइकोलॉजी बिगड़ जाएगी, मतलब स्ट्रैटेजी सही काम करेगी, फिर भी आप वहां पे प्रॉफिट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए, ये सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आपको किस तरह से क्या साइकोलॉजी रखनी है, किस तरह से आपको इन स्ट्रैटेजी को यूज करना है। थैंक यू सो मच हमारी इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच।